स्वास्थ्य संघ आर्थिक आजादी संगोष्ठी का आयोजन झांसी की वीरभूमि में किया गया, जहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर तारा तिवारी जी और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम देश में बहुत बड़ी तरक्की ला सकते हैं, इसके लिए प्रमाण लिया गया। स्वास्थ्य और स्वरोजगार का ये डॉक्टर टीचर वेलनेस का मूल मंत्र है, इसी को ध्यान में रखते हुए झांसी में ये गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें आयोजक कुंवर यशपाल सिंह बुद्धेला, कुमार सिंह बघेल, नेताजी संतराम पेंटर, जयप्रकाश साक्य, सनी सिंह जग्गी, डॉक्टर राजू बुंदेला, डॉक्टर राकेश कुशवा जी, CEO वैद्यनाथ श्रीवास जी ने आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज हमारे आपके बीच में वृतिका हर्बोटेक के ऑनर मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी जी आए हैं, जो झांसी की धरती पर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को लेकर के जो है तैयार हैं, और वो हमारे बीच में आए हैं। सर, आपका झांसी में जो आगमन हुआ है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को लेकर के, वो क्यों हुआ है? सर, कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद जन जन तक पहुंचे, आयुर्वेद का लाभ लोगों तक मिले, हर व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे और देश ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचे, और आयुर्वेद की औषधियों का उपयोग करके अपनी बीमारियों से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। और हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि हम लोग जो एलोपैथी मेडिसिन का कंजप्शन करके और हमारे देश का पैसा, हम लोग बहुत सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं, एक तो उसको हम बचाएंगे और साथ ही साथ हमारे लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा होगी, और आयुर्वेद का विकास होने से भारतीय जड़ी बूटियों की बिक्री बढ़ेगी, तो तमाम भारतीय जो किसान हैं, भारतीय युवा हैं, उनको रोजगार मिलेगा। इसी के तहत हम लोग देश के अलग अलग शहरों में इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम लोग इंडिया से बाहर भी हमारे चल रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। डॉक्टर नेचर से सर क्या उद्देश्य है डॉक्टर नेचर का? डॉक्टर नेचर ने एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ में लोगों को एक स्वरोजगार, एक जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सके। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोगों को, युवाओं को एक रोजगार सृजन की तरफ